हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की अपकमिंग मूवीज़ के बारे में, यानी कि फेज़ फोर के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि एमसीयू के 3 फेज़ कंप्लीट हो चुके हैं और फेज़ 3 की जो लास्ट मूवी थी वो थी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। सो अब फेज़ 4 की शुरुआत होगी 2020 से, जिसमें फर्स्ट मूवी आएगी ब्लैक विडो, यानी कि ब्लैक विडो की सोलो मूवी, जो मई 2020 में रिलीज होनी थी, लेकिन अब उसको नवंबर 2020 में रिलीज़ किया जाएगा। इसके बाद है सेकंड मूवी जिसका नाम है द इटर्नल्स, जो फरवरी 2021 में रिलीज होगी। इसके बाद है थर्ड मूवी जिसका नाम है सेंची एंड द लीजन ऑफ 10 रिंग्स, जो मई 2021 में रिलीज होगी। इसके बाद है फोर्थ मूवी जो होगी स्पाइडरमैन की थर्ड मूवी, जो नवंबर 2021 में रिलीज होगी। इसके बाद है फिफ्थ मूवी जिसका नाम है थोर लव एंड थंडर, जो रिलीज होगी फरवरी 2022 में। इसके बाद है सिक्स्थ मूवी और फेज फोर की लास्ट मूवी जिसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जो रिलीज होगी मार्च 2022 में। इसके अलावा फेज फोर में मार्वल के कुछ टीवी शोज भी हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किए। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन पर भी एक वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और भाई, इनमें से जो मेरी फेवरेट मूवी है उसका नाम है थोर लव एंड थंडर, जिसको लेकर मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी इनमें से सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।